नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये चार मूर्ति गोल चक्कर है और यहाँ पर अंडरपास बनाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास किया जा रहा था और फाइनली अब अथॉरिटी ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है और यहाँ पर अंडरपास बनाने की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये किसान चौक है, इसे चार मूर्ति गोल चक्कर भी कहते हैं और यहाँ पर अंडरपास बनाने की औपचारिक प्रक्रिया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने शुरू कर दी है। अथॉरिटी ने करीब 60 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट के चयन के लिए VKS इंफ्राटेक मैनेजमेंट कंपनी का चयन कर लिया है। दोस्तों कंपनी बहुत जल्द डिज़ाइन और टेंडर डॉक्यूमेंट पर काम शुरू कर देगी। इसके आधार पर टेंडर निकालकर निर्माणकर्ता कंपनी का चयन किया जाएगा दोस्तों, जो इसे अंडरपास का निर्माण करेगा। आपको बताना चाहूँगा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के सबसे व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों जाम की समस्या ना हो इसके लिए अस्थायी विकल्प के तौर पर चौराहे के दोनों तरफ यू टर्न बने हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों बताया गया है कि इसका निर्माण शुरू होने के बाद पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगने का अनुमान है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट और आसपास के निवासियों की ज़रूरत को देखते हुए सभी औपचारिकताएं पूरी कर निर्माण शुरू करने और तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल NCR प्रॉपर्टी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ट्रैफिक जाम और समस्याओं का समाधान करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी सलाहकार एजेंसी राइट्स ने इस चौराहे का सर्वे कराया। एजेंसी ने यहाँ अंडरपास बनाने का सुझाव दिया। ये अंडरपास चौराहे पर 130 मीटर रोड को क्रॉस करते हुए 60 मीटर रोड के पैरेलल बनेगा, यानी प्रताप विहार से सूरजपुर ग्रेटर नोएडा के बीच वाहन का अंडरपास से होकर गुजरेंगे। दोस्तों यू टर्न तक जाने की अब इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर जो लगता है जाम, उससे भी बहुत मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों निवासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम आगे आने वाले सभी अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।